पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने HSSC वर्ग के लिए जारी 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसके चलते हरियाणा सरकार की सरकारी नौकरियों में 18 विभागों में 1270 बच्चों को भविष्य आधार में लटका है। सरकारी नौकरी में क्लर्क, हरियाणा ड्राइवर, स्टाफ नर्स के पद हैं, इसलिए ये बच्चे अपने अभिभावक समेत प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मुलाकात करने भिवानी पहुँचे। उन्होंने मांग की कि हमारे को जिस तरह हरियाणा पुलिस के जवानों से एफिडेविट लेकर पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था, उसी तरह हमारे को भी सरकारी नौकरी देनी चाहिए। जब सरकार से मिलने के बाद दोबारा से फिर वो लेटर ज्वाइन करवाया कि भाई ये गलत है, अभी तो कोर्ट में स्टे है, आप ऐसे स्टक डाउन नहीं कर सकते, तो 27 तारीख को फिर दोबारा लेटर डाल दिया सेक्रेटरी ने कि भाई ये जो है वो गलत था, ये सही है। उसके बिहाफ पे हमारा रिजल्ट जो है सरकार को HSSC बोर्ड को डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन बोर्ड है जो वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। हमारी जनरल में आपको कंसीडर किया जाए, ऐसे भी कोई मांग आपकी रहेगी? सर, हमारी मांग यही है कि जब सरकार ने EBPG में हमें डाला, हमें 10% आरक्षण दिया, सभी कैटेगरी को मिला हुआ है, चाहे वो OBC है, SC है, कुछ भी है, लेकिन जब हमें आर्थिक आधार पे मिला हुआ है तो हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे ही हमारी ज्वाइनिंग हो। धन्यवाद। EBP के लिए पिछले दिनों में कुछ जो भर्ती हुई है, जैसे अभी क्लर्कों की एक बड़ी लिस्ट आई है, अभी जैसे कुछ और कैटेगरी की भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लिस्ट आई है, इसको लेकर के थोड़ी असुविधा हो रही है। हम चंडीगढ़ जाकर के इस पर अच्छी तरह से विचार करें।